सो लास्ट वीडियो में हमने बात की, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट देन वी कैन मेक इट एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक मेथड दैट इज बाय इंस्पेक्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं इसे हमने डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ इन दिस वीडियो हम वो 5 रूल्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट रूल इज इफ mdx plus ndy is equal to 0 is homogeneous in x and y। homogeneous means उस equation में हर individual term की power same होनी चाहिए। then 1 upon mx plus ny is an integrative factor। चलिए इस question में देखते हैं। अब सबसे पहला काम है हमारा, check करेंगे कि ये equation exact आ रही है या नहीं, क्योंकि हम directly तो integrating factor का use नहीं कर सकते। integrating factor हम सिर्फ तभी use करते हैं जब equation exact ना आए। तो पेपर में सबसे पहले चेक करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, दैट इज यहाँ पर m की वैल्यू गिवन है ये वाली या n की वैल्यू ये वाली। तो सबसे पहले निकालेंगे कर्ल m अपॉन कर्ल y, दैट इज 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली कर्ल n अपॉन कर्ल x, दैट इज 2y स्क्वायर कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, मतलब द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट एग्जैक्ट। एंड वी नो जब इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए देन वी यूज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यहाँ वाई की पावर देखो 3, यहाँ पर 1 प्लस 2 3, यहाँ 1 प्लस 2 3 और यहाँ पर भी पावर 3, मतलब इक्वेशन में हर इंडिविजुअल टर्म की पावर सेम आ रही है, दैट इज इट इज एन होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब हमने फॉर्मेट पहचान लिया ये वाला है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर m को डायरेक्टली x से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, दैट इज y क्यूब x माइनस 2y x क्यूब प्लस n इंटू y, दैट इज 2x y क्यूब माइनस x क्यूब y। नाउ ये दोनों टर्म सेम है तो एड अप होके बन रहा है 3x y क्यूब। सिमिलरली ये दोनों टर्म सेम है तो एड अप होके आएगा 3y x क्यूब, दैट इज 1 अपॉन 3xy कॉमन और पीछे बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, दैट इज मल्टीप्लाइंग 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ यहां से y कॉमन निकालेंगे, यहां से x कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज y वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3xy वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx प्लस x 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 3xy इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल। नाउ वी नो जब हम किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन पक्का एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है। मतलब हमें फिर से यहाँ से कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स वो निकाल के उनको इक्वल रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस है कि ये इक्वेशन पक्का एक एग्जैक्ट इक्वेशन आएगी। नाउ इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर ये आ गई नई हमारी एम की वैल्यू और ये वाली एन की वैल्यू। नाउ इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर y कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर सारी टर्म में x आ रहा है, मतलब यहाँ पर वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये गलती अक्सर हमसे पेपर में हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम n को ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे एलसीएम को अलग अलग कर दो, दैट इज 3y वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3y इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये डाउन टर्म्स कैंसिल और फाइनली हमारे पास बचा वाई स्क्वायर अपॉन 3y वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y। अब हमें दिख रहा है कि ये वाली टर्म x फ्री है, मतलब इस टर्म में x प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 3y इंटू dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एलसीएम अलग अलग, दैट इज 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आउटसाइड dx प्लस यहाँ से 1 बाय 3 बार और 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज लॉग वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल और पीछे बचा 1 अपॉन 3 और अंदर 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से भी एक्स से एक्स कैंसिल, दैट इज यहाँ पर बचा x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 बाय 3 बाहर आ गया इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन 3
log y is equal to c. Now यहाँ पर पहले देखो इसका आएगा इंटीग्रेशन 1/3 into log x. Now यहाँ पर देखो इस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा -2x, क्योंकि y तो एज ए कॉन्स्टेंट एक्ट कर रहे हैं, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का -2x. तो यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये वाला माइनस अंदर ले जाएंगे, दैट इज यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस. अब ध्यान से देखो इस नीचे वाली टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बढ़ा है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, दैट इज लॉग ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/3 log y इज इक्वल टू c, विच इज अवर फाइनल आंसर. तो सिंपली यहाँ पर हमने सबसे पहले चेक किया इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, उसके बाद हमने देखा इसका फॉर्मेट कौन सा है, दैट इज होमोजीनियस वाला है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया और उसके बाद सारा हमारा पुराने वाला काम क्लियर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ द रूल नंबर 2 इज, जब इक्वेशन इस फॉर्मेट की हो, f1xy into ydx plus f2xy into xdy is equal to 0. यहाँ पर y के साथ dx है और x के साथ dy, मतलब उल्टा है, और साथ में फंक्शन ऑफ xy प्रेजेंट है. अब फंक्शन ऑफ xy मीन्स जैसे फंक्शन ऑफ x होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन 2x plus x square, फंक्शन ऑफ y क्या होगा 2y plus y square. सिमिलरली फंक्शन ऑफ xy मीन्स 2 ऑफ xy plus xy का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर x और y हमें अकेले नहीं दिखेंगे, जब भी दिखेंगे x और y साथ साथ ही दिखेंगे, तो इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई. अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले फिर से चेक करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो उसके लिए m निकालेंगे, इस y को सारे से मल्टीप्लाई किया और m की वैल्यू लिख दी, x को सारे से मल्टीप्लाई किया n की वैल्यू लिख दी, तो कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालेंगे, कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालेंगे और हमें पता लगेगा कि ये दोनों सेम नहीं आ रहे, मतलब द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. तो हमें चाहिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मेट देखो, y के साथ dx, x के साथ dy और साथ में फंक्शन ऑफ xy प्रेजेंट है, सो इट इज ऑफ द फॉर्म दिस वन, है ना. तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx-ny, तो वो भी निकाल लेते हैं, दैट इज 1/m को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x³y³ माइनस n इंटू y, दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x³y³. नाउ ये दोनों आपस में कैंसिल और पीछे ये यहाँ पर प्लस आना था, ये एड अप होके हो जाएंगे 3x³y³. क्लियर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा. नाउ इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से. अब यहाँ ऊपर से xy कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी xy कॉमन निकाल लो, तो आएगा xy 1+2xy into ydx upon इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3x³y³. सिमिलरली यहाँ पर भी xy कॉमन, पीछे बचा 1-3xy upon इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3x³y³ into xdy. क्लियर. नाउ इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा और पीछे बचेगा x स्क्वायर, ये y और y दोनों मिलकर y क्यूब से कैंसिल और पीछे बचेगा y. सिमिलरली यहाँ पर भी x और x मिलकर x क्यूब से कैंसिल, तो पीछे बचा x, ये y एक y कैंसिल कर देगा और पीछे बचा y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0. नाउ हमें बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है. अब लिखते हैं इसका सोल्यूशन. नाउ द सोल्यूशन इज m dx, m की वैल्यू है हमारी, एलसीएम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 3x² y प्लस 2xy अपॉन 3x² y dx, वेयर y एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x. अब इस n वाले पार्ट में देखो, जब एलसीएम अलग अलग करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा 1/3xy², उसमें तो x वाली टर्म प्रेजेंट है तो उसे छोड़ दो, उसके बाद यहां पर आएगा माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन 3xy², तो यहाँ पर एक एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा और वाई से वाई कैंसिल, तो पीछे बचेगा -1/3y और उस वाले पार्ट में एक्स प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3y इंटू dy इज इक्वल टू सी. नाउ वाई कॉन्स्टेंट है तो उसे बाहर निकालो, दैट इज 1/3y इंटू 1/x² dx प्लस यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल और बाहर आया 2/3, वाई से भी वाई कैंसिल, पीछे बचा 1/x dx माइनस 1/3 बार, पीछे बचा 1/y dy इज इक्वल टू सी, दैट इज 1/3y बार और यहाँ पर 1/x², दैट इज x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा -1/x प्लस 2/3 1/x का log x -1/3 यहाँ पर log y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इज इक्वल टू सी. तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. क्लियर. एंड इस फॉर्मेट में ये बात भी ध्यान रखना कि यहाँ पर x और y की पावर भी सेम होनी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पर एक्स वाई की होल पावर 1 है, यहाँ एक्स वाई की होल पावर 2 है, एक्स वाई की होल पावर 1, एक्स वाई की होल पावर 2. बट अगर ऐसा आ जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 1, तो ऐसी इक्वेशन इस फॉर्मेट की नहीं होगी, मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं है,
फंक्शन ऑफ एक्स वाई के लिए एक्स इंटू वाई उसकी पावर वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब उसके कॉमन पावर होनी चाहिए, जैसे इन तीन टर्म्स में आ रही है। क्लियर? नाउ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 3rd एंड 4th, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते हैं।